तो इन सेंटेंसेस को नंबरिंग डाल के करेक्ट ऑर्डर में लिखना है ठीक है नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर सो इन्हें नंबर डालना है इन करेक्ट ऑर्डर ओके सो सी फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन द सेंटेंसेस देन वी विल सी विथ सेंटेंस विल कम फर्स्ट एंड देन सेकेंड एंड थर्ड थर्ड ओके देन वी विल गॉट बी नोइंग द सीक्वेंस ओके सो ग्राइंड सम कोकोनट ग्रीन chilies एंड गार्लिक सो so, क्या ग्राइंड करना है पीसना है ग्राइंड का मीनिंग होता है बेटा पीसना मैश अप ठीक है तो टू मैश तो मैश करना एम ए एस एच बट मैनी स्टूडेंट्स यस्टरडे रोट मील देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मील एंड ग्राइंड ओके मील का मतलब होता है बेटा खाना फीस्ट ठीक है दावत और ग्राइंड का मतलब होता है पीसना मैश ओके okay? सो ग्राइंड सम कोकोनट ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक तो कोकोनट ग्रीन चिलीज और गार्लिक को पीसना पीसा कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स वेजिटेबल स्क्रैप्स को लॉन्ग स्ट्रिप में काटना वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स तो वेजिटेबल्स के जो टुकड़े थे उनको वॉश और क्लीन करना डेकोरेट विद करी लीव्स किसे डेकोरेट करना है करी लीव से वाइप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन नॉट वाइप सॉरी विप विप सम मिक्स इट इन तो विप करना मतलब कर्ड को फेंट फेंटना बोलते हैं जिसको हम ठीक है तो कर्ड को मिक्स यू कैन सीट मिक्स इट ओके सो कर्ड को फेंटना एंड मिक्स इट इन और मिक्स करना ठीक है हम करते हैं ना कर्ड को कर्ड में जो होता है लंप्स होते हैं राइट और उन लम्प्स को क्या करने के स्मूद करने के लिए हम उसको क्या करते हैं वेप करते हैं ठीक है वेप सो पोस हम कोकोनट ऑयल ऑन द टॉप और बिल्कुल लास्ट में क्या है? डालना है कोकोनट ऑयल डालना है अवेल इज रेडी वेल रेडी है तो फर्स्ट स्टेप क्या था फर्स्ट स्टेप वॉज वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल पिट्स सो फर्स्ट स्टेप हमारा था कि वेजिटेबल बिट्स के हमें क्या करना है वेजिटेबल बिट्स के मिक्सचर को वॉश और क्लीन करना है देन क्या था इट वाज कट द वेजिटेबल्स स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स ओके उसके बाद हमने वेजिटेबल स्क्रैप्स को क्या किया था कुक ने लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट किया था राइट right? देन he grounded some he ground some coconut and green chilies and garlic he ground ग्राइंड का पास फॉर्म क्या होता है ग्राउंड ही ग्राउंड सम कोकोनट ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक देन ही वेप विप सम एंड मिक्स इट इन उसने इसके बाद कुछ कर्ड को फेंटा कर्ड को स्मूथ किया एंड देन मिक्स इट इन उसे मिक्स कर दिया उसमें देन

टी इज प्रफर्ड एट यूर होम दैट रेसिपी यू हैव टू टेल मी नाउ इन चैक कमेंट बॉक्स ट्राइट ओके स्टेप बाई स्टेप यू हैव टू टेल मी इन द क्वेश्चन सेक्शन आई विल्क इन द क्वेश्चन सेक्शन ओके सो होप द रेसिपी इज क्लियर नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन हि गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर द रीच होम फ्रॉम स्कूल सो यहाँ पे क्या गिवन है आपको कि कुछ चीज़ें गिवन हैं दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल जब स्कूल से घर जाते हैं बच्चे तो कुछ चीज़ें कर कुछ वर्क इनमें से करते हैं ठीक है तो आपको क्या करना है चूज़ फाइव थिंग्स यू हैव टू चूज़ एनी फाइव थिंग्स दैट यू डू जो आप करते हैं व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल जब आप स्कूल से घर जाते हैं ठीक है राइट दैम इन ऑर्डर उन्हें एक सीक्वेंस में रखना है लाइक like, For example, again, if uh, you ask me, then I will say that first of all, I will I put away my school bag. Okay, then after that, wash up, then chat with mummy about school. Then I will have lunch. Okay before that i will change out my school uniform then chat with mummy about school then have lunch i will do these five things so what you will you guys will do okay or you guys are doing after the school hours so you have to write down here okay five steps you have to write down and you have to tell me in the comment box okay now you will be thinking ma'am it will be lengthy to answer so you can answer in two parts if you want or you can answer okay you can send me the screenshot on whatsapp leave it okay don't tell in the question section tell me in the whatsapp section okay so that's all for today because we have done question answers also that question answers you have to write not down in notebook okay so remaining part these Word building part okay, that we will do in the next class because it will completely take one class. Word building part it is grammar part, so I will explain it a little bit deeply. So I need complete one class, so in tomorrow I'll be explaining this to you. Okay, hope you understood. Now I'll be sharing with you one video of reduce, reuse, and recycle. Watch that video, okay. And that will be very much benefited to you, okay? That will very much benefit, okay?